دنيا انا ضلاع والخدمه هوي المايبج حرام يطيب ريته هوي كن الماعد محبوب بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني هو قولي الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين بار الثل انبياء والمرسلين هو الذي إله في الأرض وإله في السماء وإله في الأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، الذي هو قدر فهداه، والذي أخرج المرأة، وهو رب العالمين، وهو بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم. ثم الصلاة والصلاة على خير خليقة خير بريته سفيه وصفة خاصته وخالصته نجيه ونجيبه العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل هداة آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء وعلى جده سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهداة والسفينة النجاة صلوات हिदायत हुसैनी के मौजू पर हम अभी अर्ज़ करते आ रहे हैं अवल महर्र शरीफ़ इस साल के तो हिदायत हुसैनी के इस मौजू को हमने आ, कलाम रसूल रुस, सल्सम से इकतबास किए कि हज़रत ने हदीसी मुबारक में फ़रमाया कि किसैैन हुसैन हदा व सफ़ीनात और इसकी कंटिन्यूटी में फरमाया इमाम व ख़ैरन युमन फ़ख़रिन, बहरो बहर वज़ुख़रिन। बहरो बहर पर हम पहुँचे थे इमाम हुदा की तफसी बताते हुए तो इल मिसबाहुल हुदा इसकी वजाहत कर रहे हैं इमाम हदा है मिसबाहुल मिसबाह इमाम थुदा। तो हुदा की वजा तो तशरी और आएगी हिदायत किस मन में है और किस तरह है तो अभी आज हम अर्ज़ करेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इमाम हुदा مخابله إمام نار امام خدا کے متعلق ہم نے کہا کہ ہمارے پاس سورہ آية نمبر 73 فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ ائمتا يهدونا بأمرنا اه اور اگے فرمایا اليهم فعل الخيرات إِقَامَ الصلاه وإيتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين हज़रत मौसा व हारून आलम के मतलब ये आय मुबारक आई है और उनके आ, इस आय मुबारक से पहले उनका जिक्र हुआ है सौर अम्बिया में कसस अम्बिया को ज़िक्र करते हुए ख़ुद तबार ताला। और फिर वमिनकाबलो मौसा व हारून आलम से पहले हज़रत इब्राहिम का जिक्र है इसहाक़ का ज़िक्र है और याकूब का ज़िक्र है तो उसके बाद आ, मुसा वो, उसके बाद ईसा वो फिर दूसरे अम्बिया का फिर कहते मिनकाबल वो हज़रत नू आम उससे उसके बाद जो अम्बिया हैं इन सब का ज़िक्र तकरीबन सतरा अम्बिया का ज़िक्र फरमाया है सही उसके बाद ये आय मुबारक आई है कि वजाअन आई मतन यहदून अब अमर तो ये इमाम हुदा की बात कर रहे हैं सही और इनके मुकाबले में मतार वक़ातलकुफ्र सही आप मुकाबला करो जंग करो किन के साथ कुफर के जो लीडर्स है कुफर के जो गाइड्स है सही या आय है ठीक है इमाम पेशवा गाइड लीडर गाइड करने वाला उनके साथ क्या करो वालना जा, हम आमताार क्यों क्योंकि वो जहन्नम की तरफ लीजिए जहन्नम के माना क्या है जाया होना महरूम होना दुनिया में खुदा की इनायत से खुदा के करम से कमालत इंसानी से जानश खुदा से हम खुदा की जानश ने वाली जाल फ़िला अर्द खलीफा हम क्यों आए दुनिया में वाला ख़त कर राम ना बनी आदम हम खुदा बंदे की जो हज़रत आदम के फरजंद है उनको क्या बनाया करीम बनाया वह जालुम खलाइफ़ अल हमने उनको ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए भेजा किस चीज़ का जो कुछ ख़ुदा के पास एट्रीब्यूटीज़ है इल्म है कुदरत है करम है हई है क्यूम है वो सारे किस में आ जाए वो पावर्स वो इल्म वो सफ़ात सबूती किस में आ जाए इंसान में आ जाए क्योंकि इंसान के अलावा किसी में ये पोटेंशल नहीं है अगर बाकी जैसे आप समझे क़ुरान इसी कमाल इंसानी को तक पहुंचाने के लिए तिबियानकुल शई है, है ना वो किसके लिए भेजा क़ुरानत इलम वग़ैरह वो अरसन समात वाल वाल जबाल हमने ये कमाल ये येम ये 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 जो हमत है या ये जो आपके कहते विलायत है बड़ी बड़ी चीज़ है ना इसी से इंसान बनेगा कामिल बन या हमने दे दिया किसको ऑफ़र किया ज़मीन को आसमान को पहाड़ को उनफा बैना यहाँ मिलना उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए? आप कहोगे दीवार को, को मुझसे बोले बातें करे दूसरा भाई कहेगा भाई ये हमसे बात नहीं करेगा ये दीवार बात नहीं करेगी हमसे यानी क्या कहना चाहते ये बात करने की सलाहियत नहीं रखती खुद अब यही कह रहे कि हमने अमानत भी अता की किसको ऑफर की जमीन आसमान पहाड़ को उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए हम की तो जबान ही नहीं वो कहां कहेंगे अगर कहेगी दीवार मेरे साथ ना बोलो गलत है सही है मैं कहूं दीवार मेरे साथ बोलो वो कहेगी नहीं मेरे साथ ना बोलो कहेगी या नहीं कहेगी उसके हालत ही कहती है कि मेरे साथ ना बोलो मैं बोलने वाली चीज ये माना है ठीक है वह अशफाक मेरी बोल चाल और मेरा इल्म इसमें आ जाए, बनेगी? अपग्रेड हो जाएगी हो जाएगी ना आप कहोगे इन्हें इस इसमें शुरू नहीं है इन बिनशा इंदा इन बिनशा सब बेहमदे वोला किन्ना ला तफ कहू न तस्वीर हूं कोई चीज ही नहीं है मगर एक खुदा की तस्बी का तस्वी हाई ग्रेडिल में खुदा की पहचान है खुदा की पहचान तस्वीर क्या माना है ये कि खुदा तू हर हर डिपसट से मुनजा है तुम में कोई कोताही और कमी नहीं है कंट्ररी क्या होगा ऑन कंट्री साइड तुम्हें कमालत है तो अजीम है सही है तुम्हें शफात सबूती है ये किस कब आप डिमार्केट करोगे ये कब आइडेंटिफाई करोगे जब आपके पास नॉलेज हो लेकिन ला तफफ होना नस्वी ये वाली नॉलेज आप नहीं समझते आपकी समझ से बाहर है क्यों लव खुश फल था लव मजदा तो यकी अगर ये पर्दे ना होते अगर ये डिपसिट्स ना होते तो हमारे इल्म में इजाफा नहीं होता लेकिन हमारे पास लाकिन तहजब हम दो नामाल हूँ हमारे और इन और खुदा के दरमियान क्या है हिजाब है इमाम सजा फरमाते हिजाब जो रुकावट बनती है मैं इनके साथ कंटेक्ट करूँ हजर रसूल के साथ ये बहुत तस्वीर करते उनके दस मुबारक में हाँ करते थे वो सुनते थे सुनाते थे तो ये कैसे मुमकिन है ये वो हाईग्रेड मुकाम है रसोलसम का जो हमें हमारे वजूद तक रसाई देते पर काट के हम सुनते थे या वहाँ से एक्सप्रेशन करके हमारे लिए आलम में उसको क्या कराते थे नफूज कराते थे पेनिट्रेट कराते थे, थे, कर थे। इसीलिए उनके एक इरादे से शक्ल का होता है ना एक इरादे से कोई ट्रैक्टर नहीं चलता कोई बुलडोजर नहीं चलता इशारे से ही होता तो ये हमारे पास जो है आई जो है ये हमारे लिए यहदून बे अमर इसलिए कहा कि वह हमल हर इंसान हम में पोटेंशल है हम में पोटेंशल हम इसको ले सकते हैं किसको इस इस जानशनी इस अमानत इलाही को ले सानशनी खुदा बन सकते और कोई नहीं बन सकता इसलिए फरमाया व जाना यहदून बेअमना ये हमारे आमर से क्या बनाते हैं हिदायत करते है लोगों को हम एमत नार की भी बहस करेंगे कि हुदा की बात कर रहे हैं हुदा की एक ख़ास सिफत ये है यहदूनब ना किन की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अम्बिया सत्रह अम्बिया के जिक्र हुआ है उनका इशारा तो हमारे पास वली खुदा तीन किस्म के तीन किस्म के एक वली खुदा दोस्त खुदा वो है जो फ़कत एम्बिया है नबी है बस एक हमारे पास वली खुदा वो है जो नबी भी है और इमाम भी है जैसे रसूल हमारे साथ जैसे हज़रत इब्राहिम है ना बाज़ है जो फकत वली खुदा है लेकिन ना, ना, वो वो फत इमाम है और नबी नहीं कितनी किस्म तीन किस्म के होंगे तो ये तीन जो हमारे पास है इन में हमारे जो आईमा शामिल है अल्लाह वो इमाम है लेकिन नबी नहीं है वो हिदायत गर है उनकी हमारी बहस कहाँ आ रही है इमाम व बहरीन रसूल फरमाया समंदर है किसका इलम का इमाम हुसैन आसमाम इमाम से सिंबल है सारे बारह इमाम की बात है तो यह बहर है हम ले रहे हैं कि इनका ग्रेड अवलियाई खुदा में से है और जो इमाम है और यह दो न ब्यामारे हमारे आमर से हमारे आमर से हमारे ऑर्डर से, से क्या कर रहे हैं हिदायत करते मैंने शायद आखिर याद हो कि मैंने कहा था ए, एक इमाम जो है वो किस्म की हिदायत रखते अपने मामूमिन के लिए दो किस्म की एक हिदायत तकवीनी है एक हदायत तशरी है एक लेजिलेटिव जो आपकी शरीयत जिसको आप बोलते हैं लेजिसटिव गाइडेंस एक है ना आपकी स्परिचुअल गाइडेंस सही है आपकी रूह को क्या करता है अपलिफ्ट कराता है नॉलेज के अलावा जो कंटेप्रेरी नॉलेज तो आप कहोगे ये जिक्र हुई है आय हज़रत इब्राहिम के बाद हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक क्या पढ़ा आय तला इब्राहिम रबू बे कैल मातिन फ़ात मन कॉलेजाइल का लिना इमामा हमने आपको इमाम बना दिया क्लियर हज़रत ने क्या कहा काल जरूरियत ही मेरी ज़रूरिया मैं इमाम बना दो हज़रत खुदा ने क्या कहा था वर्त त ला या नदालमीन यानि नहीं बनेगे तेरे औलाद तेरी जुरिया बनेगी नहीं बनेगी इमाम बनेगी कल मैंने बहस की बनेगी वो कौन है आले इसहाक और इसहालै इसमा हैं जी वही जुरिया है न तो हमारे चौदह मासूमी कहाँ से बहस तो नहीं ये साबित है हमारे पास कि वो आले इसमा इमाम हजतम दोनों तरफ से आले इस्माइल से भी आले इस हक से भी है ठीक है ना दोनों तरफ से मिलता है उनका तो ये उनके लिए मतबा तबाई इसको वाजह कर अगर बहस और है मैं अपनी जगह और बहस करूँगा आगे जाके फिलहाल मैं यहाँ से आसान हो जाऊँगा तो ये जो कि वजाल मतन कौन मुराद है जो कुरान में मुशा है मस इब्राहिम वो इमाम भी थे नबी भी थे है ना और जिक्र किया अलैहिस्सलाम, सही और याकूब अल्लाम उनके अवलाद और इस्माइल, उनके अवलाद हैं हमारे पास तो वो अवलाद भी का जुरियती, ये जुरियत कौन है मोहम्मद वो भी नबी भी है इमाम भी है या फ़क़त इमाम है ठीक है बारह मासूमिन बहरा इमे क्या फाकत इमाम है रसुल्ल इमाम भी है नबी भी है। तो इनको शरीत दे दी नहीं दी हाँ रसूल रसुल्ल को शरीत दे दी दी शरीरियत हाँ शरियत दे दी और उसको वो बाद, बयान कर रहे उसी पर वो अमर अमल अमल भी कर रहे हैं किस तरह अमल कर रहे हैं आए कि आखिर में फरमाया कानूलना व कैन आबिदीन ये हमारी बंदगी करते आ रहे हैं करते थे ठीक है वजालना जालनाम आई मतन यहदून बे अमरना अब अमर आ रहा है अमर से पहले शरीयत चल रही है शरीयत पे अमल कर रहे वो उनकी इमामत तश्रै है क्या है इमामत तशरी यानी अकायदो अहकामो अखलाकियातों दूसरे जो हमारे शाई कवान हैं उस पर वह चढ़ रहे थे लाना आबिदीन लेकिन एक को यह है लाना आबिदीन वाशद महमदन फकत उसी का आबद किसका आबद? खुदा यानी इसके माना हुआ होबीत अखलास मकाम रबूबियत और अहदियत के वो बंदे थे यानी क्या थे इसका मतलब ये हुआ वो मासूमीन थे महमद मोहम्मद मासूमी थे तो इस वजह से ये हो गया का यह दू ना हिदायत कर रहे ये कौन सी हिदायत है ये हिदायत तशरी के अलावा है नमाज रोज़ा ज़क़़त हज के अलावा लाना आप उस पर वो पहले से ही थे और यह दोन ब्यामरना एक नई हिदायत है यह हिदायत हिदायत उस द्दीन फ़रोद्दीन और अखलाकियात नहीं है यह कौन सी हिदायत है तोजो करिए बहुत बड़ी गिफ्ट है आपको हमें कि इमाम मासूम सलम हम तो साबित कर रही है यह अम एम अतः हर बीस में ठीक है ये नमाज रोज़ा अः दीन वगैरह और अखलाकियात के अलावा भी खास हदायत करते हैं कौन सी हिदायत हिदायत बे अमरना हिदायत बे अमरना। ये हमारे ऑर्डर वो आर्डर आलम अमर का है वो आलम तशरी का नहीं है इन इज़ा हाँ इन अल्लाह इज़ा हाँ वो है ना वो आराध बायली कि मासलन हम कहें कि इन अल्लाह इज़ा आराध शाइन अंयो कुल अल्लाहु कुन फ़ाया कुन ये वही आम्र है यस अलो ना का अंयल रूह कुले रूह मिन आम्रे रब ये आम्र आलमे आम्र है आलमे तकवीन है यानी नेचर है ये परसेप्ट नॉलेज नहीं है ये कौन सा नॉलेज है इट इज एक्चुअल टू द एग्जिस्टेंस फायर कौन, कौन सही अब यहां पर यहदून नब अमर हम इनको अमर तकवीनी अता करते हैं ये उसी अमर तकवीनी से लोगों को हिदायत करते कौन सी हिदायत हिमात य एक खास हिदायत है वो हिदायत इस तरह है कि इनको खुदा तबारक तला ने अपना खजान इलम बनाया है खजान इलम इनका कौन सा है वो इलम तकवीनी है इलम तकवीनी हजूरी आप अपने आप को समझते मैं फलानी हूं आप सोच के कहते हो मैं फलानी हूँ नहीं, नहीं। आप कहते हो कि मेरे पास मैं हूँ किस से कहते हो मैं हूँ ये इलम बाहर से या अंदर आपके पास मौजूद है आप कहते हो मैं मैं भूखा हूँ आप कहते हो मैं कुदरतमंद हूँ मैं प्यासा हूँ ये कौन सा इलम है ये आप बाहर से परसेप्शन लेते हो या अंदर आपके अंदर मौजूद है यह इलमूरी है ये इल्म जूरी इनके पास जो खुदा इस टाइप का इल्म इनको अता करता है और ये इल्म आलम कायनत की हकीकत और जान है। और ये किन के पास है इमामों के पास अब इससे वो हिदायत करते हैं कैसे हदायत करते है? हिदायत इस तरह करते हैं कि लोगों के जानों पर इनकी हुकूमत है लोगों के दिल और उनके नेचर इन जो उनका डिवाइन इंस्टिंक्ट है उस पर उनका हुकूमत है और उनको हर दिल पर नज़र है इसलिए हमारा इमाम क्या है जान आलम है जान पूरा आलम उसके इरादे में है हम कहते आन ना जरा सही वो देखने वाली है खुदा की पूरा आलम उसके इख्तियार बिगज़ने खुदा हजरत हजरत ईसा कैसे अलैहिस्सलाम जिंदा करते मुर्दों को बेजन बेजन ये कौन सा इजन है शर्जन यानी वो किताब पढ़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं तुम जिंदा हो जाओ हम भी कहेंगे कुम बेजन बीदन, बेजनी या कुम बेजन ला हम यही कहेंगे मुर्दे को जिंदा होगा जिंदा होगा नहीं क्यों ये लफजी इजन है इसकी एक हकीकत है पीछे सैद बहरूम रजमा अलैह उनके शागिर्द थे बहुत बड़े आरिफ थे आलिम थे और हमारे फ़कीह दर्ज अव्वल थे तो उनको शागिर्द थे वो आते थे दजलाफुर क्रॉस करके उनके क्लास में अक्सर देर आया करते थे देर से तो उन्होंने सैद महद बहर रहा ने कहा आप आज क्यों लेट आए तो उन्होंने कहा अगर ये किश्ती नहीं मिलती टाइम पर तो मैं फंस जाता हूँ इस वजह से देर कर तो आगे ने कहा अच्छा लिख दिया कागज़ पे और उसको फोल्ड करके कहा ये जेब में रख दो उसकी तरफ देखना नहीं और जब भी जब भी आपको देर हो जाए किश्ती ना मिले फुरात को क्रॉस करने में तो आप इसी को तवज्जो करो कि मेरे जो इसमें है उसी की तरफ तवज्जो करो पानी पे कदम रखो और चलो ये ज गया देखा कल परसों देखा कश्ती नहीं आई तो इनने क्या किया वही क्या उस याद है उस का दस्तूर इस तवज़ किया जो मेरी जेब में पर्ची है उसी तरफ कि मैं तवज्जो करूँगा और चलूंगा पानी पर इसने तोजह की उस्ताद पे यकीन था पानी रखा पानी पर कदम रखा और चल पड़े और क्रॉस कर लिया पानी के ऊपर से पहली मरतबा दूसरी मरतबा एक मरतबा उन्हें चलते 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 जब उस किनारे पहुंचने लगे तो किनारे के नज़दीक ने कहा इसमें क्या लिखा है मैं इस खोल के देखूँ निकाला कागज़ उसमें लिखा है जिसमें ला रहा है मैं ने मना किया था खोलना नहीं है देखो नहीं जैसे खोला पानी में गिर गया बच गया किनारे पर था तो खुदाए उस्ताद ने कहा अब क्या मसला है, कब मगर मैंने नहीं कहा था आप ना खोलना इसको वो क्या चीज़ थी यानी शागिर भी बिस्मिल्लाह कहेगा वो भी बिस्मिल्ला। ये बिस्मिल्लाह इसमें हजम तक उस्ताद पहुँचे थे और शागिर्द वहाँ नहीं पहुँचे थे वो उनके पास लिखाई थी कागज़ पे बसमिल्ल उसके पास ख़ुदा के इसमें मुबारक तक उसके रूह की रसाई थी तो हमारा इमाम क्या करता आ गए ये जो आयतुल्लाह सैद महदी बहरालूम इस मुक़ाम तक पहुँचे इसको किसने पहुँचाया ने वहां तक पहुंचाया 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 इसलिए पहले देखते हैं जिसमें हलाल ज्यादा है हलाल रोजी कमाई है पाक मोमिन मां बाप का बेटा है ठीक और इसकी तरबियत भी अच्छी हो रही है अर्द बिली मुकदस अर्दबिली इतने कराम इमाम जमान से वो सुना मरूफ है उनसे क्या करते थे मुलाकात करते थे उनकी वालदा से किसी ने पूछा ये बच्चे आपको क्या करते थे उनको कि इस मुकाम तक पहुँचे कहा मैं जब भी दूध देती थी वजू करती थी पहले फिर दूध देती थी इसको यानी बहुत सारे उन अलामत में से एक अलामत यह भी थी तो उसका असर यह होता इमाम अब किस नज़र करेगा जिसमें ये सारे शरात मौजूद हूँ इमाम को कहाँ से मालूम हमने कल हदीस कली आए मुबारक कि वो शाहिद है किस पर शाहिद है पूरे कायरत पर उनकी नजर शरीफ से एक ज़रा बरबी टुकड़ा गायब नहीं है हमारे जो आप बुजुर्ग है हैं आप आयत हजत का नाम सुना ग उन्होंने क्या कहा एक शेख हसन थे जो बहुत वो थे, थेमदीन थे तो कोई हाजत थी मुश्किल थी माली मुश्किल थी तो लिखते थे और अर्जा अरीजा लिख के फिर रखते थे कहीं छुपा के इमाम को इतमास और सवाल कि मेरी मुश्किल हल कर दे कुछ मुद्दत हुई जवाब नहीं आया लेकिन ये करते रहे एक दिन घर वाले निकले ये क्लिप भी मौजूद है आगे बहजत इसको बता रहे वो चले गए घर वाले सारे अकेले रहे इतने में आवाज़ आई आगा कह रहे कि वो मसफर्ज करे शेख हुसैन नाम है उसका आलिम का आगे शेख हुसैन आप समझते हो कि हम आपके हालात से बेखबर है ऐसा नहीं है तो ये कह रहे कि मेरा नाम कौन ले रहा है ये कौन पीछे भाई घर में तो कोई नहीं है फिर कहा मुझे वहम हो गया हो सही है ये मेरा वहम है तो फिर वही आवाज़ आई लेकिन अब की बार कहा ए शेख हुसैन अली अलीसल बाप का नाम भी लिया तो इस तरह गुमान करता हमारे बारे में कि तुम्हें कोई मुश्किल हो हमें मालूम ना हो हम इसकी खबर ना हो तो फिर देखा ये इमाम जमान अलैहिस्सलाम उनको मुखातब हो रहे हैं आगा। 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 पूरे आलम पर उनकी नज़र होती है और जो इंसान दुआ पढ़ता है मस्जिद जाता है नमाज पढ़ता है और अजान सुनकर उसके दिल में दिल में एक वजरस खोफ सा एक अट्रैक्शन एक एक बेखुदी सितारीफ़ कुरान तलावत करे कोई तलावत करे या खुद करे रोना आता है इस तरह आ जाता है बेचैनी आ जाती है और दुआई महल पढ़ते हैं दुआई आ जाते हैं और दिल तड़पने लगता है एक जज्बा सा आ जाता है ये पहली हिदायत है इमाम जमान के तो आपको दिखाई ना दे जेलवाना सामने ना आए लेकिन वो जाने आलम है तमाम इंसानों की जान है उनके पर उनकी नजर यह पहली हिदायत है उसके बाद दूसरी हिदायत क्या करते आते 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 उनके में आते उनके में में खब यह इल्मे, इल्मे इमाम ब, बयान कर रहा हूं यहदून भी अमरना की तफसर कर रहा हूं कि हमारे इम हिदायत करते हैं किसके अमर से खुदा वो आमर क्या है हमरे इम हुजूरी है मानवी है अम्री है तकद्दसी है कनेक्शन खुदा के साथ और जिसको आप स्परिचुअल नॉलेज कहो और परसपेशन नॉलेज नहीं है हजरत को हमारी ऐसी चीज़ों की खबर कहाँ से उसी को बयान करो उसके बाद ख़्वाब में आते हैं ख्वाब में क्या आएंगे इमाम की शक्ल नहीं गलत कहता है कि जो हराम भी अंजाम देता हो सही या तकरार करता हो किसको को मकरूहत को या गफलत करता हो नमाज़ पढ़ने में अवर टाइम ना पढ़ता हो सही ना पढ़ता हो वगैरह लेकिन दिल साफ है हल रोज़ी कमाता है बड़े बड़े मसाइल नहीं है गुन गुनाह कबीरा नहीं अंजाम देता वगैरह इधर से कुछ इनायत भी जो पहले इनायात है वो उसमें हूँ यह सब जमा हो सकती है जमा हो सकती है और इमाम उसको हिदायत कर सकता है ख्वाब में आ सकता है ये बेद नहीं लेकिन इमाम उसकी ज़रफियत के मुताबिक हिदायत करेगा यादा बे नोनब अन्ला तदर अकूल हिम हमें कहा गया लोगों की जो मरतबत है जो मरतबा ग्रेड है उसी के मुताबिक आप बात करो आप टीचर्स जो लाते हैं इंस्टीट्यूशन में कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कौन से टीचर लाते हो भाई अगर फिफ्थ क्लास है तो उसी ग्रेड का है ना अगर मैट्रिक है अगर कॉलेज है अगर यूनिवर्सिटी है और स्कॉलर है तो टीचर अपने ग्रेड के मुताबिक होगा और वो उसी ग्रेड के मुताबिक उससे बात करेगा इमाम भी इसी तरह इमाम मासूम सलाम जब आपने मामूम से कंटेक्ट करते हैं उसको हिदायत करना है हिदायत माने तो उसकी उसके ख्वाब में आएगा किस सूरत में चेहरा मुबारक नहीं दिखाएगा उसको मगर यह कि उतनी ज़रफियत हो पहले मरतबे में ये मुमकिन नहीं है इसलिए ख़्वाब में अगर आपने कहा मैं इमाम मासूम चारदा मासूम किसी को देखा और वो उसको क्या दिखाए अपना चेहरे रहे मुबारक ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा मुमकिन नहीं मगर यह कि वह ज़रूियत उतनी हो यहाँ भी इसतना है हो सकता है किसी को अवल मरहले में हाई पोटेंशल मैसर हो ये बैद नहीं है लेकिन वह बहुत आ, वो केस स्टडी करना पड़ेगा है या नहीं है उसकी शराइ मौजूद है नहीं तो इमाम आ जाएंगे मसला मसक् या किसी आलमी दीन आरफ़ की नजर में सही शक्ल में वजह यह है कि अगर अपनी सूरत में अपनी सूरत में आ जाएंगे तो उसमें उस, उस दर्जे का जो मुकाम मानवी है वो भी क्या हो जाएगा ट्रांजिट हो जाएगा किस में इस हाँ इस मोमिन के अंदर रूह में रूह है हंड्रेड वाट उधर से थाउ ऑफ था। 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 मेगावाट्स आ जाए क्या होगा हाँ कम से कम ब्लीडिंग हो जाएगी उसकी इंटरनल सही या उससे भी ज्यादा हार्ट अटैक हो सकता कुछ भी हो सकता इमाम उसे मारना चाहते या हिदायत करना चाहते जिंदा रखना चाहते या मारना चाहते जिंदा रखना चाहते इसलिए इमाम ही क्या हो जाते डिसेंड हो जाते आम वाली ग्रेड में जो वो तहमल कर पाए तो इस तरह उसको गाइड करते हैं फिर आगे आगे चले अगर ये आ, उसके बाद अगर इसी रास्ते पर चले मैं इमाम की यह दोनों ना मैं अमरिना की तफसीर अर्ज कर रहा हूँ सही है आसान तरीन आसान तरीन मर मैं असलात में फंसाना नहीं चाहता आप लोग को तो इमाम फिर क्या करते हैं उसको आगे चलाते हैं आगे चला के देखते अगर पुख्ता हो गया बहुत सारे हमने देखे हैं हमारे आसातीज ने बताया बहुत सारे हैं जिनके पास उस्ताद नहीं है लेकिन वो चलते इमाम उनको इसी तरह इनडायरेक्टली हिदायत करते हैं लेकिन ये किसी हद तक ही जा सकते एक उस्ताद चाहिए जो इमाम के बाद हो इमाम का अम के शागिर्द हो वो उसको अपने पोटेंशियल से भी नीचे इसको गाइड करेगा इसका हाथ पकड़ेगा दस्रात देगा शरीयत और अखलाक के कवानीन के मुताबिक और अखलाकी और इरफानी दोस्तरा खास भी दे दे देगा वो दस्तरात इसके मरतबे के मुताबिक होंगे ताकि ये बेचारा उसको हजम कर पाए और मसला वो आदमी मैंने कहा कि दो हमारे पास मिसालें हैं उन्होंने इमाम बाकर आल इमाम सादिक्लम से दो वाकई हैं उनको कहा हम आपके शागिद हैं हमें भी आप दे दिए मानवीय वगैरह उनका आप तहमुल नहीं कर सकते तहमुल नहीं कर सकते बस आप कहते हैं ये जो कह रहे हैं ला है ला ला सुबहाना कहनी कंतु आप कितनी बार उसको पढ़ सकते हो पढ़ लिया ना हज़रत सैद करीम राजवी कश्मीरी ताला वो कहते हैं ज़िक्र यूनुसिया को अगर किसी हद से ज़्यादा पाँच सौ से ज़्यादा आपने किया तो उसकी मुसीबतें आपको उठानी पड़ेगी फिर सही उसके नेगेटिव जो क्या आ जाएंगे पर्सपेक्टिव आ जाएगी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे वो आपको कहीं कहीं के नहीं छोड़ेंगे इस तरह जैसे आप डॉक्टर क्या कहता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन इजाजत देता नहीं देता क्यों तो मेडिसिन ही है तब भी है मुझे ये एस्टोमफिन है सही है एस्टोमेफिन मैं खा लूँ खा लूँ ना खा लू डोलो खा लू थाउजेंड खा लू बताए ना मैं थाउजेंड ले लूँ स्ट्रेंथ उसकी थाउजेंड एम जी ले जबकि मेरी थ्री ट्वेंटी फाइव है या फाइव हंड्रेड नीड है अभी तो मैं क्या एस्टोफिन में होना एस्टोमोफिन होना काफ़ी नहीं है ये कौन मुझे कहेगा डॉक्टर डॉक्टर डायग्नोज करेगा इसलिए हम खुद से कुछ नहीं कर सकते ये ये जो उस्ताद होता है यही देखता है इसके अंदर बीमारी क्या है इसकी डायग्नोजिस करता है और उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए कितनी स्ट्रेंग की चाहे और बढ़ाना घटाना महरूम करना चेंज करना वगैरह ये सारा उस्ताद के उसके बग़ैर मुमकिन नहीं है एक हद तक इसको साथ ले जाता है और उस हद के बाद हालांकि हो सकता है मलाकूत बरसा और मलाकूत तक भी ले जाए डिपेंड करता है उस्ताद खुद कुछ किस दर्जे पर उस्ताद खुद शागिद होता है इमाम जमाना नहीं सलाम का सही अब लेकिन वो अपने नीचे दर्जे वाले को चला सकता है अगर शागिद उसके दर्जे तक पहुंच गया उस्ताद के दर्जे तक पहुंच गया उस्ताद उसको गाइड कर पाएगा आगे नहीं कर पाएगा तो आगे कौन करेगा खुद इमाम बल्कि या कोई और शागिद इमाम का जो उससे हाई ग्रेड पर हो यानी ग्रेड मसान मालकूत से मालकूत आला में हो जाबरूत में जाबरुत आला में हो ऐसे हमारे पास है मसा का जाबर आला में है ये ऐसा चीज़ जो है इनको खुदा इनसे दूर ही नहीं होता इनको इनको शैतान गफलत जहालत वगैरह नहीं सलमान उसको शैतान नहीं आ पाएगा तो उसके बाद इनको चला देगा ये इमाम चलाता है यहदून नब अमरिना बस इमाम ये फगत बताता है कि कल रसूल कल ला तबर किताब में का रसूल्ला यह हदीस कही है और मैं इसकी तायद करता हूँ आओ लिख लो और पढ़ पढ़ लो और उस पे अमल करो ये ये, ये वाली शरीत यह हिदायत तश्रिय है नहीं यह दो नब अमरी समझा इमाना इमाम की हमारे इमाम की ए, ए तरीक, वो हो गया कौन सा मैं हमने क्या कहा इमाम किस चीज का मतवली है उसके पास इलम लदनी है नंबर वन और उससे वो क्या कर सकता है कुरान की तफसिर कुरान किसके लिए आया अलफिला किताब फी लुदन है ना हमारे लिए है ना कुरान हमारे लिए ना कुरान हमारे लिए ना हदन ललमुत या लम वो तो टीचर है उसके वो तो नफ्स कुरान है वो तो जानी कुरान है सही तो वो उन, वो अगर वो अगरचे अमल करते हैं लेकिन उनका उसके नफ्स और किताबुल्लाह का एक ही ग्रेड है सही किस में अपने जो ग्रेड है अगर जो उसके अब बहस वही है कि कुरान कुरान को अगर इन तारको फीको मुस्कल किताब अल्ला व इतरती इसीलिए कहा क़ुरान की जो हकीकत है जो तश्रिय है वो इमाम बताता है मुफसर है उसका मुफसर है तफसिर बताएगा और कहाँ पर क्या कुरान है इसका हुक्म क्या है जो मैंने कल बताया इमाम को मैंने बताया इनके पास तमाम इल्म है तिबियानो कुल शही तमाम इल्म है। जो भी सवाल पूछो वो इमाम के कुल शैन एहसिन होफ़ी इमाम मुबेन तो इमाम हमारे पास आ, हिदायत करता है इन ग्रेडों की यहदोना बे अमरना सही मालूम समझ आया अब इमाम इमाम आ, आपको असूल अक़ाइद के अलावा आपको फिक के अलावा आपको अखलाकियात के अलावा रूही आपको ले जाएगा वो हो गया इरा तरीक यानी शरीयत का बताना तो आपको बताएगा लेकिन शरीयत के हकीकत के अहद शरीयत हमारे किस लिए ताकि हम खुदा के जानशीन बने सही है खुदा के जानशीन बने जानशीन खुदा ने कहा इसका कहते के उस जुदुल आदम सही है ना या उन्होंने कहा कि अ हा फी माई यसफ दिम, यसप फियामा आप उसको बना रहे जो फसाद करेगा और कनरेजी करेगा हम आपकी नसबिखा नक़द्द सुख हम तस्वीर करें तकदीस करते हैं आपकी हम खुदा तबार ने क्या कहा उनने कहा कि आप ने बेनबे आसमां आप बताओ आसमान उनने कहा ला मौलाना इला

सही है मलाकतुल्ला पढ़ते हैं या इल्म उनके वजूद में इल्म इनके वजूद में है और ये जो हमने खुदा ने कहा हम आदम को बनी आदम को क्या बना रहे हैं अपना जानिशिन बनाए किस में हसूली में या हजूरी में इम हजूरी में उसको कौन पहुंचाएगा वहां खुदा का जानिशिन कौन बनाएगा इमाम बनाएगा इमाम बनाएगा और वो भी मैंने बताया किस तरह बनाएगा और वहाँ तक पहुँचाएगा और सलमान मना अहलैत कि वो हकीकत कुरान को समझ सकता है हकीकत कुरान अब आप देखिए ये इल्म जो है ये इल्म इमाम जो है ये असल में जिससे वो हिदायत कर रहे हैं ये अली तरीन तकवा का नतीजा है किसका अली तरीन तक हाइस्ट ग्रेड जो है आ, उसका उस ग्रेड जो तकवा का है वो किसके हासिल है इमाम को हासिल है उसको वह अमली मुक़ाम अमली में अंजाम देता है अमल करता है उस पर तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इमाम के पास ऐसी नूरानियत आती है कि वो अपने मुकाम उस इलाही तक पहुँच जाता है यानी यहाँ से कोशिश सऊद में डिसलोज होता है खुदा उसको वो नूर ट्रांज़िट कराता है डिसेंड कराता है किसके ए, इमाम के रूह मुबारक में तो वो इल्मी है इल्म हसूली नहीं है इल्मूरी मैंने यही बताया कि आप मसला हज़रत ईसा ला मुर्दों को जिंदा कर रहे किससे या हजरत ईसा का पानी पर चलना सही है ना वो किससे चल रहे उस पर इसमें आजम से किससे इसमें आजम वसम कहे बिसमल्ला तो ये बिसमल्ला कौन सा है जो हमने जबानी कहा अल्फाज जो एक साउंड है वर्ड है इस वर्ड से वो तो हम भी फिर चलने चाहिए बस ये भी इसम है बिसमिल्ला जो हमने पढ़ा और वो उसकी हकीकत कौन है जो उसको पानी के ऊपर गुजार लेती है चला लेती है या मुर्दे को जिंदा कराती है सही या खुदा कह रहा कुलना या नारो नारो कूनी बर्दन व सलाम आला ये कौन सा वर्ड कोलना ये कोल कौन सा है तकवीनी है तकवीनी है ये लफ्ज़ साउंड नहीं है यह हकीकत है तो वो वाला इलम इनके पास होता है तो उस इल्म से ये इनकी रूह कहाँ पहुँचती है सऊद में आलम मलकूत में आलम असमा में आलम जबरूत में वहाँ पर उसकी रसाई नहीं है किसकी शैतान की रसाई नहीं, नहींजरद है वहाँ पर शैतान की रसाई नहीं है जब शैतान वहाँ नहीं पहुँच सकता तो वो इसको गुमराह नहीं कर सकता इमाम को गुमराह नहीं कर सकता और ये इल्म हजूरी है इल्म हजूरी है और ये इमाम को वहाँ गाइडेंस जो होती है वो गाइडेंस इमाम को इलाही होती है और शैतान वहाँ नहीं है खता भी नहीं है निस्यान भी नहीं है और जूठ हवाई नफ्स जो है ये सारी चीज़ें नहीं है जो ख़ुदा उसको वहाँ देता है वो इल्म हजूरी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता शैतान भी नहीं है और समझना जो इल्म है वो मगजी समझना नहीं है वो रूह का समझना है वो नज़ल روح रूह अमीन قلبك ये क़ुरान रूह अमीन उनके रूह में डाल देता है उसको समझने में कोई खता नहीं होती इश्तवा नहीं होते गलती नहीं होती उसको उसको एब्ज़ॉर्ब और एब, एसिमिलेट करने में भी कोई ख़ता नहीं होती उसको फिर दूसरों तक पहुँचाने में भी कोई गलती खता, सहाव निशान नहीं होता तो इस वजह से वो मासूम हो जाता है हमारा इमाम अगरच उसको मैंने कहा वह यह तशरी नहीं आती कल जो बहस की मैंने उनको किस तरीके की वही आती है वो इल्हाम है वो तहदीस है कल मैंने बताया या ख़ ख़ासहीं है जो उनको रूह अता करता है और वो आगे पहुँचा वो इल्म आ गया इमाम के हाँ, अंदर बस वो इलम बतन क़ुरान है क्या है एन क़ुरान है बहतने क़ुरान है ये उसमें शैतान बहस ही कर हूँ ना शैतान और खता जहालत नहीं आ सकती शक नहीं रैब नहीं आप कुरान पर को क्या कहते हो दालिकल किताब ला रैब फ़ी बस जिस जिस दिल पर जिस रूह में वो हकाई के कुरान नाजिल हो जाए वो दिल वो इमाम का कल मुबारक रुह मुबारक ला फी। ला। ना। ना। तो ये जो आ गई इसीलिए कहा अना कलामुल्ल नातिक क़ुरान की हकीक़तों तक पहुंचाने वाला इमाम किस तरह इल्म तशरी के अलावा दो नबी अमरना यानी तकवीनी तौर पर रूही तौर पर इरफानी तौर पर उसको इमाम एसाल एल मतलूब हाथ पकड़ लेता है रोज रोज़ उसको अपने साथ चला के कहाँ पहुँचाता है कि अब उसकी आंखें देखती है क्या देखती है वह कमन रहा वह हुआ वाल जन्नत कमन रहा जन अब जन्नत देखता है और उसमें जन्नतियों को भी देखता है वह हुआ कमन रा वह व जहन्नम या नार कमन रहा वहम फ़िहा मो अदबोन ये जन्नत जहन्नम को भी देखता है और जहन्नमियों को भी देखता है इसलिए कहा कहामा ला यकीन लारल जही कहाँ इसी दुनिया में यह कौन दिखाएगा इमाम दिखाएगा यही पर यही गाइडेंस इमाम की है और जो इस मुकाम तक पहुँचाएगा इमाम का काम है तो आप कहोगे हमारा हदफ यहाँ पकड़ कुरान को जानना अहकाम को जानना और अखलाकियात को जानने के अलावा खुदा को देखना कल्ब से और मलाइका को देखना अपने जन्नत को देखना अपने जहन्नम को देखना मलकूत को देखना कुर्सी और सामावात को सब को देखना ये भी हदफ है हमारा हाँ ये हदफ है इसीलिए हम पैदा किए ये कौन पहुँचाता हमें हाँ एक तो इमाम क्या करता है एक तो शरीयत हमें बताता है हलाल क्या है हराम क्या है वाजिब क्या है मुस्ताब क्या है मकरू क्या है मबा क्या है उसके अलावा खुदा का जानशीर बनाने में हमारा हाथ पकड़ के खुदा तक पहुँचाता है को बोलते हैं साल एलर मतलूब एक रास्ता दिखाना रोड मैप दूसरा खुद गाइड बनना इमाम क्या होता है गाइड खुद गाड़ी पर सवार होके खुद सवार होके हमें उस हद तक पहुंचा देता आई बात अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको इमामत समझ नहीं है आ, आज तक क्या सोचते हैं इमाम इमाम के बारे में क्या कंसेप्शन है कि इमाम को सारा इल है बताने के लिए किताबें भरी पड़ी है सारी चीजें वो नहीं इमाम पहुंचाने वाला भी है कहां तक खुदा की जानशीनी तक सही है कि खुदा के जान इनी जाल फिल अर्दे खलीफा बनाने तक ये खलीफा किसके जरिए होगा या। खलीफा असला खलीफा तो रहमान इमाम जमान खलीफ़तर रहमान है ये उन बंदों को जिनमें यह शरात हूं उनको हाथ पकड़ के वो भी मैंने बताया किस तरह उनको कहाँ पहुँचाएगा खलीफतर रहमान मैं समय तमार बना देगा उनको उनको क्या बना देगा आ, मैं इस समय तमार बनेगा कोमैल इमन ज्यादा न ही बनाएगा सही और हबीब इबन मज़ाहिर बना देगा या आ, मार बनाएगा या मेघदार बनाएगा सही वह अमसा लेना सुहेल इबनै बनाएगा या मुस्लि मुस्लि इबन अखिल भी है वो भी बुजुर्ग और हजरत है, अब्बास हैं जो तो अपने ख़ानदान के हैं तो इन सब को आप हजरत अब्बास को क्यों अहतराम करते हो रहे उस मानवी इलम की वो वो कैसे वो किताब पढ़ के हुआ ही हजरत मास क्या उनके मुतालिकैनला ने फरमाया वो किसने पहुंचाया किसने पहुंचाया उस मुकाम तक इसको बोलते हैं इमाम के दो काम है एक शरीय बताना दूसरा शरीयत के वादों तक पखहा पकड़ के पहुंचाना वो क्या वादे हैं खुदा देखेगा इसे अब इसी के आंख से इस दुनिया में अगर खुदा को काम करना हो इसके हाथ से अगर खुदा ने चलना हो इसके पांव से आई ना जरा ओजन वाह यहां तक पहुंचाएगा इसको हम मालिक असम आजम बनाएगा इसमाय आजम के मालिक खुदा ने किसको बनाया आज़म जो है बहत्तर है त्रिहत्तर है एक इसमें मुस्तर है वो खुदा ने अपनी ज़ात के लिए रखा है बहत्तर ट्रांसफर किए महम्म मोहम्मद के alaum, आदादा। आदादा। ये जो मैंने अर्ज किया बस इमाम को खुदा जब बनाता है सै सदर उसको देता है और उसमें ओलूम इतने देता है कि हर सवाल करो उसका जवाब उसके पास मौजूद है और उसमें हमत अता करता है हमत अता कर और हमत में दोनों चीज़ें आती है हमत में दोनों चीज़ें आती है। एक हमत जो हमत नजरी है एक हमत अमली है हमत नज़री में क़ुरान का इल्म सही वो उसको उसको हिकमत, वो हिकमत में वो शामिल है एक इल्म अकली है बुरहान और एक इल्म फितरी है तीन हो गए चौथा जो उसमें है वो है जो कमाल तक पहुँचाने का इल्म है जो कमाल तक पहुँचाने का इल्म है और क़यामत का इल्म वो सहारा किसके पास है हमत हिकमत के मजमु एक कलेक्शन है जो हिकमत में आता है इनको हम अभी जो बहस करते हैं इनको जो हम डिस्कस करते हैं उसको तोहद शनासी किस में तोहद शनासी में बहस करते हैं और इसको हम हस्ती शनासी यानी आंटोलॉजी ऑनटोलॉजी हस्ती शनासी टोटल जो जनरल एब्सलूट एग्जिस्टेंस है उसके बारे में जो बहस करती है उसमें शामिल है और तोहीद जो है सही वो है और उसके अलावा इंसान शनासी इंसान क्या है कहाँ से आया क्या है उसके पास कहाँ जाना है क्या बनना है वगैरह सारी बहस इसमें और फिर एक माद शनासी भी इसमें और फिर उसकी फितरत और उसके तकाम और उसके कमाल की तमाम वजाहत ये सारा खुदा उसके रूह में डाल देता किसके इमाम के रूह में डाल देता ये किसने डाल देता उसने मामूमो को ये सब पहुंचाना है सिखाना है और हाथ पकड़ के उनको ले जाना है ये सारी मंजिलें दिखानी भी है और वहाँ पहुंचाना भी है इसलिए इन इनूम की वजह से इन की वजह, इन नूरानियतों की वजह से इसको इमाम को कोई रगबत जहालत की तरफ नहीं होती जहालत इलमी हो अमली हो ये अब गुनाह का कोई इसमें टेंडेंसी नहीं रहती कल मैंने मिसाल दी अगर कोई नजिस चीज हो गंदी चीज हो आप रगबत रखते हो खाने में क्यों एक मारिफत है अंदर सही है जो रुकावट बनती है यहाँ भी एक मारिफत है जो गुनाह से रुकावट बनती है तो वाजबात की तरफ एट्रैक्शन कमालत की तरफ एट्रैक्शन इन सब का मजमू ये बनता है कि इमाम गुनाह नहीं करता और हजत खुदा बन जाता है किसके लिए लोगों के लिए कि वो इंसान को क्या करे गाइड करें और कमाल और लोग भी उसको कबूल करें तो ये अब ये है कि ये चीज़ें जो मैंने बताई इमाम क्या बताया मैंने हमत खुदा शनासी हस्ती शिनासी और उसका क़ुरान का जानना उसका आखरत पर होल्ड होना और उसका इंसान की हकीकत पर होल्ड होना उसका जो हक़ है जितने भी एग्जिटेंशल रियलिटीज़ है उनकी उनका ऑब्ज़रवेटिव क्या नॉलेज होना आप अभी इसको देख रहे हो ना ये कैसा नॉलेज है परसेप्टिव या ऑब्जर्वेटिव भी है ये मेरा हाथ आप इसको पर अभी परसेप्टिव नॉलेज है आपको इसकी इसकी पिक्चर आपकी जबान आपके जहन में शक्ल है ना शक्ल है आप इसको उठा के अपने हाथ में भी टच कर सकते हो या मुझे बताइए ये मेरा इसका कौन सा इल्म है मेरे हाथ का मुझे कौन सा इलम है परसेप्टिव है मैं इसकी तस्वीर जहन में ला सकता हूं है ना शक्ल आँख से देखता हूँ, आया इसको टच कर सकता हूं आया इसका वजूद और फंक्शन वगैरह ये कौन सा इलम है परसेप्टिव है हाथ को हाथ का होना इसका फंक्शन करना इसका इल्म होना ये कौन सा है परसेप्टिव तो बाहर है आंख से आंख बंद करो फिर आपका वो इलम खत्म हो गया आंख बंद करो फिर हाथ आपका है या नहीं है फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है सही है किस से कर रहा है आंख तो बंद की आपने तो आप कैसे जानते हो ये कौन सा इलम है एक और इलम है ना इलम हजूरी सही ये जितने आलम हैं इमाम को उनका इस तरह का इलम है जिस तरह आपको अपने हाथ के वजूद का इलम है ये हिकमत में ये कैसे मुमकिन है ठीक है बस पूरा जान आलम इसके अहम वजूद में है इमाम के वजूद में हम भी जब रूह बढ़ाएंगे अमर बढ़ाएंगे इल्म बढ़ाएंगे यकीन बढ़ाएंगे ईमान बढ़ाएंगे इखलास बढ़ाएंगे इस बढ़ाएंगे इमाम के साथ वसल और कंटेक्ट हो जाएंगे और उसी के साथ रहेंगे हमारी रूह भी हमारे इस बदन के कंट्रोल से बाहर निकल के तमाम चीज़ें कमज़ोर है तमाम चीज़ें कमज़ोर है जब हमारी रूह निकल गई और फैल गई इमाम के साथ अटैच हो गई खुदा के साथ अटैच हो गई ये तमाम चीज़ें इसके इरादे और कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी हमारी रु जाएगी बरसक में हमारी रु जाएगी मलाकूत में वो हायर और इंटेंसिफाइड और ग्रेटर ग्रेड के हैं और उनका उनका कंट्रोल इस आलम दुनिया पर पहले कॉजिटिव कंट्रोल है उनका इलती कंट्रोल है कंट्रोल रूम है वहाँ पर अगर आपका दस्तरी दस रसी रूह को मिल गई उसका मतलब आप जिस चीज का इरादा करोगे वो इरादा आपके वो चीज आपके इरादे के सामने करेगी। यही मानना है, है वह सखर को माफी समाते वाल ارد ہم زمین آسمان آپ کے لیے بنائی इन्नी अर्द खलीफा इस ज़मीन में आपके जितनी मेरी मखलूक़ात है जितना तेरा अखलास है जितना तेरा इल्म है जितनी तेरी इतात है जितनी तुम्हारी खुदा के साथ वफादारी है जितना तुम्हारा ईमान खुदा रसूल और अहल बहद पर है और अमल है इस है अखलास है वफादारी है उतना आपको खुदा अपना और इस आलम का अपनी तरफ से आलम का मालिक बनाएगा सक्सेसर और अपना जानशीन बनाएगा और फिर आपका इरादा खुदा के इरादे के मुकाबल में नहीं होगा बल्कि हता कुंतु समा हुआ बसरा हुआ यदा हु। आप आंख निकालोगे आंख खोलोगे खुदा देखेगा हाथ चलाओगे खुदा का इरादा चलाएगा आप पांव उठाओगे इरादे इलाही के जरिए आप ना कहें कि हम थक गए आज बहस सामने ये वाला बिल्ला मैंने आसमान से उठा के ज़मीन में पहुँचाई आपको कोशिश की कि यही समझ आ जाए लेकिन हम मजबूर हैं हम आसमान पे भी कम से कम एक 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 फिक्र करनी है फिक्र अगर वहाँ देख नहीं सकते लेकिन अक्ल और फिक्र में कुछ तस्वुर करना है इनशल्ला कल अगर जिंदगी रही तो फिक्र रही तो इन हुसैन मिसबाहुल हुदा तो समझ आना चाहे ना बारीकियाँ देखी कितनी है इसमें कि इमाम हुसैन मिसबाहुदा किस लिए इस जहान के रोशनी है कौन सी रोशनी क्या हमें तो मालूम ही नहीं ये चीज़ें क्या है कुरान में पढ़ी है अहमियत ने बताई है सलाम रिवायत में है सीरत में है और पहचे भी है सलमान पहुँचे हैं मेघदार मि पहुँचे हैं अबूजर पहुँचे हैं अमार पहुँचे हैं मैसम पहुँचे हैं कुैल पहुँचे हैं मोहम्मद बिन मुसलिम जोरारा पहुँचे हैं और यूसिफल अब्दुलरहमान पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हम अंधेरे में है, है ना उनको रोशनी आई है किसकी रोशनी इमाम हुसैन की रोशनी वो ले गए उनको उस मुकाम तक तो इमाम हुसैन की असल रोशनी क्या है हमारा हाथ पकड़ना कहां तक पहुंचाना जिसके लिए खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है वो कौन सा मुकाम है मुकाम में सलमान मीना ठीक है सलमान मिल्ला बहत यानी मेहमान आए मेहमान आए तो उन्हें कहा कुछ खिलाओ सलमान साहब भूख लगी है घर तो में तो कुछ चलिए कुछ करते इंतजाम इशारा किया परिंदा उड़ रहा था आ परिंदे परिंदे आ गया और थाली में कबाब वबाब उनके सामने आप खाएं हम भी खाते ये कहा रिवाज में है ना बैठे हैं रिजवान सलमान के पास बैठे वो यहाँ पर हंडी चढ़ी हुई वो उबड़ रही थी तो उलट गई तो उन ने देखा उलट रही है गिर रही है तो सलमान रिजवान तला ने कुछ कहा इरादा किया ना गिरो गिरो तो लेकिन जो कुछ उसमें है वो ना गिरे हंडी उलट गई लेकिन पानी और उसके रस जो है वो जो चीजें उसमें थी गज़ा नहीं गिरा जमीन पे तीन मरतबा हुआ हजरत आबाजर उठे और वहशत कर गई लवालम सलमान ईमान लवलिम अबीज़र इमाना लवल सलमान ईमान अबर लख ना वो तहमल कर सकते इनकी नीचे ग्रेड कर नीचे वाले ऊपर का तो हम गए रसुलर से पूछा ये अजीब गरीब काम कर रहे हैं कहाँ अच्छा है कहाँ कर रहे हैं। उनका अच्छी तरह गाइड किया सही मसला ये फिर तहमल नहीं होता अमराना साबुन मुस्ता़ हजरत अमीर उम ने क्या कहा मैं आपको हर चीज़ बताता कहाँ उसके आगाज़ है कहाँ वो ख़त्म हो जाएगा और कहाँ दुनिया में क्या चीज़ है मैं डरता हूँ लोग मुझे कहेंगे ये रसुल्ल से ज़्यादा मुकाम रखते क्यों क्योंकि ये उनसे ज्यादा इतनी चीजें तो पैगम्बर सला ने नहीं बताई है इस वजह से मैं डाता तो एक्सपोज नहीं कर पाता फस्तन ट्रा लिखल कुर कुरान से पूछो वाला लोकुम आपसे बात नहीं करेगा वाहबर अनकू अनहू मैं आपको खबर दूंगा इसमें क्या है इसलिए ये सिर बुन मुस्तहसब है ये अहल बनकर ही पहुँच पहुँचा जा सकता ये हम शिया शरीत के एहतिकात हकाइक न इसमें गुलों की का इमकान है न इसमें तकफीर का इमकान है बैज कहेंगे नहीं ये झूठ है झूठ भी नहीं है बैजे जाके अमीरमिन को अपने हद से ऊंचा ले जाते, वो भी गलत है लेकिन जो है वो तो बताना है अब यहाँ हम पहुंचे कि इमाम हुसैन आसम क्या है इमाम मिसवाहुल होता एक तो वो किसके लिए मिस होता है लोगों के लिए ना उनको क्या करना है कौन सी हिदायत करनी एक तो हिदायत तश्री दीन मुबीन की तबीयनो तफसर कुरान की सही है ना और दूसरा दूसरा हक़ की निशानदेही नशानदेहीकाइक की कुरान की हकीकत क्या है दुनिया की हकीकत क्या है इस दुनिया से आगे क्या है खुदा को खुदा तवर त हजर इब्राहिम को पूछा मुझे बताएं मालगोत सामूरी इब्राहिम मालगोत लियको मिनल मोकिन जानने के अलावा पहुँचना भी है कहाँ पर क्या रखा वो भी इमाम हुसैन आपको दिखा देंगे इमाम ये है मिसबाहुदा यहां ये माना रखता है आपका हाथ पकड़ के आप वहां पहुंचा देंगे जैसे कुरान और हुसैन दो जरूरी जरूरी रहनमा है कुरान को भी कहा ना इमाम कहा ना इमाम व किताब किताबुल्ला इमाम भी है और रहम यह वो कुरान सामित है इन तार फिर मुस्ताक किताब अल्लाह व हितरती ये इमाम ये किताबें नातिक है वो किताबें सामित है आपको किताब सामिथ के हकीक़तों तक हुसैन की हकीकत ले जाएगी सलाम। और ये होगा ईसी मतलूब ये हुसैन कहाँ से आए मुकाम ज़ाति इलाही से आए मुक़ाम आसमां से आए मुकाम अरश से आए कुर्सी से आए सही और फिर लोहे महफूज उमुल किताब से आए लोहे महफूज से आए हैं उम, उमुल किताब से आए वहाँ से नाजिल आके के लह लोहे इस वाह व इस बात वो भी फिर भरसक से दुनिया में आए इ, इन सब पर हुकूमत है इमाम हुसैन की आपने वही जाना है राज आ, वहां से आए हो ना आप वहाँ जाओगे कमाल लेके या जवाल ले के कमाल लेके तो यही है जो कमाल कमाल नहीं लेता वो ज़ायल हो जाता है उसकी रास्ते उसका रास्ता कहाँ है उसका रास्ता जो तोहीद के पहाड़ की जगह जहन्नम की खाई है सही है तोहीद का पहाड़ हुसैन अलैहिस्सलाम और जहन्नम की खाई इमाम है जो नीचे गिरता रहता है म में तकवा में और ऑब्ज़रवेशन में कमालत रूही में उसके पास कुछ नहीं रहता फ़क्त महरूमियत और जहालत तो इन शुदा तवर साल तोहफी देगा उम्र देगा कल इस पर बहस करते हैं कि ऊपर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किन किन मराहिल से गुज़रे हैं और वो किस सूरत में है किताबुल्लाह और रिवायत में किस सूरत में है फ़िलासफ़र्स के नज़दीक किस ज़बान में है और राफा के नज़दीक किस ज़बान में है और उनकी हकीक़तें क्या है तो जब इन चीज़ों का इल्म अकली हसूली आपके पास हो तो जाने में आसाइश और आसानी हो जाएगी तो आज तो इतना ही है और इतना अर्ज़ करूँ बहुत देर हो गई आज लेकिन ये अर्ज़ करता हूँ कि मसाइब में हम पहुँचते हैं कि ज़्यारतना ही मुकदस में है कि असलम अल के याब्र फरल अब्बास इबन अमीरम्दीन इमाम जवान सलात पढ़ते सलाम पढ़ते हैं हज़रत अब्बास इबन अमीरमअमिन सलाम पर सलाम भेजते हैं और कहते हैं कि अल्मासी बिन अल्मासी अखा हो बे नफसे ये अब्बास वो है, है जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी अपने बाजू कटवाए किसके लिए जान फिदा की अपने बाई के लिए ये इमाम जमान का कोल है ज्यारत नाहिए मुकदसा जो अपने अपने जद इमाम हुसैन के लिए पढ़ रहे हैं इमाम हज़रत इमाम जमानाम उसी के जिमन में हजरत इमां हजरत अब अब्बास के मतलब करे तुम पे सलाम होबुलफल अब अब्बास कि तू वो शख्सियत है जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी किसके दिफा में अपने भाई के दिफा में और उसके लिए हिमायत की और उसके बाद कहा अल आखिज़ो अल आखिज़ो लिखा दी मेन अम से जिसने आज दुनिया पूरी कुर्बान कर दी अपनी आखिरत के लिए यानी आखिरत उसकी इमाम हुसैन है दुनिया भी इमाम हुसैन है अपने इमाम के लिए निछावर कर दी फिदा कर दी ऐसा अजीम इंसान है और उसके बाद फरमाते हैं कि अलफादी लहू अपनी जान को फिदा करने वाले इमाम हुसैन पर अलवाकी लहू अल्वाकी। और जो जिसने इमाम हुसैन की हिफाजत की उसके हरीम की हिफाजत की हमेशा अपने शमशेर से इमाम हुसैन की हिफाजत करते रहे असाई और इसके अलावा इमाम हुसैन के लिए पानी ढूंढने वाला फुरात तक जाने वाला तीन दिन के प्यासे जो बच्चे थे जो बीबिया थी इमाम के लिए भी पानी लेने के लिए गए वहाँ, ये सिफत भी हजरत इमाम जमान हज़रते हजरत फजल अब्बास के लिए फरमा रहे हैं और इसके बाद फिर अलमकत इस इस्तारी कुर्बानी में जान फिदाई में जिसके दो बस जीलतें हजरत इमाम इमाम बड़ी फजीलतें हैं इसमें जब अशर का टाइम आया इमाम हुसैन तन रहे हजरत अब देखते हैं इधर देखते हैं उधर निगाह करके देखते हैं। कोई नहीं है उसके आगा को बचाने के लिए अरे कोई बचा नहीं है ना बनी हाशि में न में दिल फटने लगा आए अर्ज की ए, ए मेरे भाई ए मेरे आगा दिल मेरा तंग आ गया अब जीने का दिल नहीं चाह रहा है मैं अपनी जान फिदा करना चाहता हूं आप पर ए, मेरे भाई मुझे इजाजत दे दे मैं आपके दुश्मनों से लड़ू और इंतकाम ले लूँ उनसे है हजरत ने कहा नहीं मेरी तो कमर टूट रही है आपके जाने से है। मैं तो बहुत परेशान लेकिन एक काम है आपके जाने से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आप जरा पानी लेके आइएगा कोहराम मचा है खीमा गाह में हमारे अतफाल अहल बैत अ, अ, अल अतश अल अतश कर रहे हैं उनके लिए जरा पानी लेके आइएगा हजरत अब्बास सलाम देख रहे हैं खीमे में बच्चे अलाश अला तश कर रहे हैं और वो मशकीजा उठाए रहे हैं मर्रखी लिखते हैं कि वो मशकीजा को उठा के अपने 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 शिकम पे रखे शायद हो उससे हमारी प्यास कम हो जाए और इल्तमास कर रहे ए हमारे बुजुर्ग ए अब्बास चाचा जरा हमारे लिए पानी लेके आओ इस पर उनकी गैरत में और जोश आलम संभाली और नेजा संभाला और एक हाथ में एक हाथ में तलवार भी संभाली और मशकीजा कंधे पर रखी और चल दिए चल दिए आदा की तरफ और हज़रत अब्बास सलाम ने अलवी दिखाए और पिछाड़ दिया चार हज़ार को पिछाड़ दिया सब भाग गए भगोड़ों की तरह इमाम के सामने कोई टिक नहीं पाया और यहाँ तक कि बहुत गुमसान जंग की हजरत ने तकरीबन आठ सौ पचपन उन आदा को जहन्नम किया और उसके बाद शरीत फ़ुरात में दाखिल हो गए पानी उठाया जुलजना को कहा आप नोश करो पानी और अपने हाथ को पानी से भर लिया याद आया अब हज़रत अमिरमोमी ने कहा मेरे बेटे जब फ़ुरात में दाखिल हो जाओगे तो उस वक्त अपने भाई को की प्यास को याद करना पानी नहीं पीना वो आजमाइश थी इमाम जानते थे इमाम जानते थे कि ये नहीं करना लेकिन आजमाइश में इंसान की आख, जो खमीर है उसकी आजमाइश होती है प्रेशर आता है एक रूही प्रेशर आता है तो उस आजमाश में कामयाब हो गए पानी उठा के दरियाई फरात में गिरा दिया मैं अपने भाई को तशना छोड़ के खुद पानी नहीं पीऊंगा अगर अकल मुझे कहेगी पानी पियो और हुसैन को बचा लो लेकिन ये इश्क नहीं है मैं आशक हूँ अपने भाई इमाम हुसैन आसलम वो प्यासे है तो मैं भी प्यासा होऊंगा और जब तक मेरी रूह में जान है जब तक मेरे आगा प्यासे है हज़रत अब्बास पानी नहीं पिएंगे वापस आए और नश्जा संभाली और अब की बार जंग का ख्याल नहीं है अब तो जंग के लिए आए नहीं थे दिफा कर रहे हैं। ये मशीज़ा सही साल मिखी गाह तक पहुँचे लेकिन आधा जानते थे एक कतरा भी अगर वहाँ चले गया चला गया खेमागा में नक्शा पलट जाएगा जंग का इसलिए उन्होंने कहा आपको मालूम है यजीद के अशार में भी लिखा है ये उसका शेर है हमने इफ्तार से कह रहे हैं, हमने उस जबरदस्त घुड़सवार को मारा है हमने उस घुड़सवार को मारा है।, मा है जो घुड़सवार था।, था, था और पहलवान था पहलवान था। इतने अजीब आदमी थे अगर पानी पीते जंग का उनका इरादा होता तो उस लश्कर में कोई बाकी नहीं रहता यह उसी का फर्ज है जिसने सफू की सफे उलड़ दी भी इकरार कर रहे हैं अब्बास सीने में है उसके बहुत तूफान है ये पानी बच्चों को पहुंचे सकीना को मैंने वादा दिया है बच्चों को वादा दिया है लेकिन क्या देखते हैं नोफिल बल ने अपने इनके बाजू मुबारक पर छुप के वार किया बाजू जमीन पर गिर पड़ा अरे न सा। दूसरे पाओ में दूसरे हादसा से मुबारक में रख दिया और इसी तरह आगे लड़ते रहे राजस पढ़ते रहे लेकिन आप देखते हैं हकीम में तोहफे तोहफे मालूम ने उन्होंने फिर दूसरे बाजू पर भी दूसरे बाजू पर भी तलवार मारी और वो भी कट के ज़मीन पे गिर गया। हज़रत अब्बास अब मायूस होने लगे अब धन मुबारक में से हो पकड़ा लेकिन तीर आया पानी बहान बहने लगा और सहारा पानी आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा हजरत अब्बास उसका दिफा कर रहे लेकिन दिफा कब तक करते पानी को रोक नहीं सकते थे इतने में किसी ने आहनी गुरज लाया और हजरत अब्बास के सारे मुबारक पे दे मारा तीर भी भी बहुत सारे थे मुबारक ही लिखते हैं चश्मे मुबारक में भी तीर गए आए हुए थे खून चश्मानी मुबारक में आया था हजरत अब्बास जैसे सारे मुबारक पे संगीन वार आया और दो हाथ भी कटे हैं मशीजा भी पारा हो गई है कहा उसके बाद जरबत आई मुंह के बल जमीन पर पर आए या असलाम अलैक या हुसैन अदरिक या अखाक अदरिक अखाक ए मेरे भाई शायद कहते हैं बहुत सारे मुआरिकिन कहते हैं पहली मर्तबा कहा भाई कलाबस ए मेरे भाई आज आपने भाई को पूछ लो अरे जमीन पर किस तरह आए हैं वो सारे तीर तो जिसमें मुबारक में अंदर गिरे होंगे अभी शहीद नहीं हुए होंगे अरे जमीन पर जब गिर रहे होंगे हाथ भी नहीं थे अपने को बचाव करने के लिए और जब इमाम हुसैन आए तो देखा हजरत अब्बास की आखिरी हालात है और कहा कि ए ए मुझे आप ना ले जा मेरे भाई गा तक नहीं ले जाना क्योंकि मैंने सकीन का सकीना को बच्चों को वादा दिया है पानी लेके आऊंगा पानी खत्म हो गया और अगर मैं जाऊंगा हरी में आहलब